वेरी गुड आफ्टरनून। और अभी 12:30 हो गए हैं, तो आज काफ़ी देर हो गई, और ज़्यादा देर हो गई व्लॉग स्टार्ट करने में। और फिलहाल आरिस का क्लास चल रहा है, तो कॉपी उठा के खड़ा हुआ है मिस को दिखाने के लिए। कैमरे में कुछ बनाने बोली थी, तो वही दिखा रहा है मिस को कैमरे में। मिस में जितना पता चल सके, ज़्यादा तो पता चलता नहीं है कैमरे में, तो जो भी मिस को थोड़ा बहुत पता चलता है तो वही सबको डांट लग रही है अभी फिलहाल क्लास में। और पापा भी बस अभी जस्ट नहा करके आए हैं और कुरान पढ़ रहे हैं, तो बस वही बैठे हुए हैं हीटर के सामने। तो और मस्जिद तो हाँ ये वाली किताब पढ़ रहे हैं अभी। और मस्जिद तो अब जा नहीं सकते हैं, वही सारा कुछ तो अब बंद हो गया है मस्जिद जाना, और कोरोना भी हो गया तो इस वजह से अब बाहर निकलना भी उनका भी बंद हो गया एकदम। और आज का मौसम भी फिर ख़राब हो गया है, हल्की सी, बहुत हल्की सी एकदम रोशनी बस नज़र आई है अभी फ़ौरन। तो आरिस को तो आज नहीं नहलाया है, कल नहा दिया था तो अब डर लग रहा है कि इतना फीवर आ गया था, तो आज छोड़ ही दिया है। बस कपड़ा चेंज कर देगा, अभी क्लास से उठेगा तो उसके बाद फिर वो अपना कपड़ा चेंज करेगा। और आरिस कपड़ा चेंज कर लिया है अपना, तो बस नहलाया तो नहीं, धूप निकली ही नहीं थी तो इसलिए। और बाल झाड़ रहा है, बाल उसका झड़ा ही नहीं रहा है, टोपी पहनता है ना तो बाल एकदम खड़ा खड़ा हो जाता है, भिगाना तो है नहीं, एकदम सूखा हुआ है, तो उसे तेल लगा लो बाल में तब से। तो नहाना भी जरूरी होगा, उससे क्या हुआ कि तेल लगाओगे तो जरूरी हो जाएगा नहाना, क्यों ऐसा थोड़ी है। और क्रीम लगा लिए, कोल्ड क्रीम लगा लिए, चलो ठीक है। और मोजा पहनो, मोजा पहन लो। और अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं इंडक्शन बनाने वाले का, तो उनसे बात हुई थी, कल भी बात हुई थी, तो कल तो बोले थे कि आएंगे लेकिन आ नहीं पाए, शाम हो गई थी, फिर रात में तो 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है तो फिर नहीं आए थे। तो सुबह में भी उनसे बात हुई है, तो हो सकता है बोले 1-2 घंटे में आएंगे, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं जल्दी से आए, उसके बाद फिर बनाए, पता नहीं देखते हैं क्या खराबी है, कुछ अगर चेंज करना होगा पार्ट तब तो फिर आज नहीं बन पाएगा, फिर लेकर के जाएंगे उसके बाद फिर लाएंगे तो। और अगर ऐसे अगर हल्की फुल्की खराबी होगी तब तो बन जाएगी। और आरिस इधर खड़ा हुआ, क्या लेके आ रहे हो तुम? क्यों रॉड लेके क्यों आ रहे हो? अब बाल तुम झाड़े हो या तुम्हारा बाल तो वैसे ही लग रहा है, झाड़ा ही नहीं अभी इतना देर तुम खड़े हो के बाल झाड़े, ये तुम्हारा बाल तो झड़ाया ही नहीं है, वैसे ही गंदा लग रहा है। और अभी फिलहाल हम चिक्की खा रहे हैं, तो थोड़ा सा बच रहा है, जितना आया था सारा चिक्की हम ही खा रहे हैं और कोई खा ही नहीं रहा है। और इसका एक रॉड खराब हो गया ऊपर वाला, तो कल आए थे वो जो इलेक्ट्रिशियन तो इस साइज का था ही नहीं, इससे बड़े वाले जो उस रूम में आरिस के पास और पापा के पास जो हीटर रूम हीटर उसका रॉड था, इसका रॉड ही नहीं है, तो अब काशिप से मंगवाना होगा उसके बाद फिर, तो फिर खैर कल तो काशिप भी चेंज कर देंगे इसका रॉड। और बस आरिस का वेट कर रहे हैं, कभी गया हुआ है वो भाई पढ़ने के लिए ऑफिस, आपसे आ जाए तो फिर हम लोग लंच करें। और अब कोरोना के केस भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, तो खैर आ ही रहा था, बहुत ज़्यादा आ ही रहा है, 2 लाख के करीब केस आ रहा है, और पटना में भी बहुत ज़्यादा केस आने लगा है। और हमको पटना मार्केट भी जाना था, जो उस दिन गए थे इन लोग को मूवी दिखाने के लिए स्पाइडरमैन, तो कुछ कपड़ा टेलर को दिया था, तो अभी तक बस वहीं पड़ा हुआ है, तो मौका ही नहीं मिल रहा है और डर भी लग रहा है मार्केट जाने में। और इतने ज़्यादा सुन रहे हर किसी को, मतलब अब तो घर में भी बहुत लोग को सुनने लगे हैं कि कोरोना हो गया है, किसी किसी के बहुत के बारे में, बहुत क्लोज रिलेटिव जो है उन लोगों के बारे में भी सुनने को आ रहा है कि कोरोना हो गया है, तो अब डर भी लग रहा है निकलने में, तो वही अब लग रहा है कैसे जाएं। और फिर लॉकडाउन का भी सुन रहे हैं, तो अब अगर लॉकडाउन लग गया तब तो मेरा कपड़ा फिर वहीं अटक जाएगा, पता नहीं कितने दिन तक लॉकडाउन लगा रहेगा, तो देखेंगे, नहीं तो फिर 2 डबल मास्क लगा करके और बस जाएंगे और टेलर से कपड़ा लेंगे और फिर वापस फौरन चले आएंगे, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करेंगे ना कुछ खरीदेंगे। प्याला लेके कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं पनीर निकाल के रखेंगे इसमें, क्योंकि वो पनीर पिघालने के लिए। क्यों पनीर का क्या करोगे आप तुम? आज पनीर का मैगी बनाएंगे, तू मैगी सबको देंगे मैगी बना के पनीर का। आज तुम पनीर मैगी बनाने वाले हो? तो पनीर तो फ्रीजर में है, निकालने हमें तो जा रहे हैं गर्म पनीर करने, इसीलिए खड़े जाओ। कब बनाओगे? अभी बनाओगे? अभी तो अभी नहीं बनाओ, तो अभी तो 4 ही बज रहा है, 4:30 के बाद बनाएंगे, अभी पनीर रखेंगे, मगरिब के बाद बनाएंगे। अच्छा नमाज पढ़ के उसके बाद बनाना, चाय पीने का ठीक है, जाओ जाके अभी पहले पनीर, नहीं तो उसको माइक्रोवेव में भी डाल करके कर सकते हो। हाँ अगर जल्दी करना है तो माइक्रोवेव में कर सकते हो, तो नहीं तो फिर गीजर ऑन करके, किचन वाला गीजर ऑन किए हो? आओ तुम भी आओ।
हम क्यों आएंगे, तुम करो, तुम बना रहे हो, तुम करो, हम क्यों आएंगे। हम अभी अपना ब्लॉग इधर एडिट कर रहे हैं, जाओ रखो। अब आज मैगी बनाने जा रहा है, पनीर मैगी। और उधर कल मेरी कितली काम नहीं कर रही थी, अब कल उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से अच्छे से काम करने लगी। चमत्कार है, भूत वाला है एकदम। एक सुबह नहीं करती है, फिर शाम में करने लगती है। फिर अभी भी अच्छे से पानी इसमें ही गर्म कर दिया, चाय भी बनाना है और फिर मैगी भी बनाएगा, तो पानी इधर ही इसमें बॉयल कर दिया, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, पानी बॉयल रहता है तो फिर टाइम बचता है उससे बहुत। तो जब तक हम नमाज पढ़ रहे थे तो ऑन करके चले गए। अच्छा लगता है मैंने पनीर ये देखने में, खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। आज पनीर मैगी बना के खिलाने वाला है आरिज हम लोगों को चाय के साथ। तुम एक तो इंडक्शन वाले तो आए नहीं अभी तक, सुबह से उनका वेट करते रहे, 2-3 बार उनसे फोन से भी बात हुई तो बोले अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, आए नहीं। तो अब एक तरफ तो इंडक्शन तो खराब ही है, तुम एक तरफ मैगी बनाओ, इधर हम चाय जब तक चढ़ा देते हैं। हाँ, वो टाइम लगेगा यार। नहीं तो पानी तो गर्म है तो टाइम नहीं लगेगा, पानी अगर गर्म नहीं रहता तो फिर टाइम लगता। और अभी 8 बज गया है और आरिज उस रूम में पढ़ रहा है, पापा यहाँ पर मैच देख रहे हैं। तो कौन सा मैच हो रहा है अभी चल रहा है? इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, सेकंड टेस्ट है। अच्छा, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कोरोना नहीं है? नहीं, कम है वहाँ, कम है, बहुत कम है, है लेकिन कम है। कितना मतलब बहुत कम, मतलब कितना? मतलब नेग्लिजिबल है, इसीलिए टीम गई है वहाँ, इसीलिए वहाँ मैच हो रहा है। अच्छा, ओ तो वही आप मैच देख रहे हैं? मैच भी देख रहे हैं, तुम्हारा व्लॉग भी देख रहे हैं। अच्छा, आज वाला देख लिया, बस अभी तो डाला है थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले आ गया था इस पर, मोबाइल पर मैसेज आ गया था। अब तो रोज घर ही में बनाना है, बाहर तो निकलना नहीं है व्लॉग बनाने के लिए, कहीं नहीं जाना उना, न कहीं जाना न कहीं आना, बस घर में बैठे रहो। अब इतना इतना लाखों लाख आ रहा है, बस एक दिन हमको काम है पटना मार्केट का, अब देखे जाते हैं या नहीं जाते हैं। वही जो टेलर को कपड़ा दिए हुए हैं, टेलर कपड़ा रखे रहेगा जब देखते हैं। हाँ, बस वही एक काम है और तो कुछ है नहीं, और अभी निकलना खतरे नहीं है। पता नहीं यार इस क्या बजा रहा है लैपटॉप, अभी पढ़ने के लिए बैठा था उस पे कोई म्यूजिक निकाल रहा है लैपटॉप से, लैपटॉप इसका सिंथेसाइजर का काम कर रहा है, कुछ डाउनलोड किया है शायद, उसी से कुछ बज रहा है, पता नहीं कैसे किया है। कोई अच्छा सा गाना बजाओ तो समझ में आए, क्या म्यूजिक बजाया गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या बजा रहे हो। तो क्या बजा लिए म्यूजिक, बजा लिए आरिज? क्या था, कौन सा म्यूजिक बजा रहे थे? जो बजा। और अब क्या कर रहे हो? देख रहे हैं, क्या पढ़ने आए हो?
मास्क पहन करके क्यों आई हूँ ऊपर, एकदम लग रहा है कि डॉक्टर बनी हुई हूँ। मास्क पहने हुए इसलिए इन्फेक्शन के डर से कि सब लोग को कहीं किसी को बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं रोज। हाँ तुम तो स्कूल भी जा रही हो ना, इसीलिए वैसे स्कूल में हम एकदम डबल मास्क लगा के रहते हैं और एकदम मास्क उतारते नहीं है, बस लंच करने के लिए मास्क उतारते हैं। मजबूरी है। वो भी एकदम अलग अलग बैठते हैं, किसी के साथ नहीं, किसको क्या इन्फेक्शन है क्या पता। और बच्चे लोग को भी आज वैक्सीनेशन हुआ सब। अच्छा तुम्हारे स्कूल में हो गया सब बच्चे? कौन नाइन्थ टेंथ वाले लड़के को हुआ होगा? नाइन्थ टेंथ में ही, क्योंकि उसमें एज से ले रहे हैं। 2007 में, 2007 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, 2007 या उससे बिलो उसका ले लेगा, उसका ले लेगा है ना 2007। तो ये नहीं है कि मतलब 15 इयर्स, अगर 14 इयर्स और कुछ मंथ है, मतलब 2007 ईयर है तो उसका ले ले रहा है। हम लोग को लग रहा था कि नहीं लेगा क्योंकि मतलब टू क्या बरस तक का ले रहा है, 14 इयर्स और कुछ मंथ है ना, मतलब 2007 और उससे कम का जिसका ईयर है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसका, ऑनलाइन में जो होता है 15 से 18 बोल रहा है, 15 से 18 बोल रहा था, मतलब 14 से पार कर गया उसका ले। हाँ 2007 जिसका है। तुम क्या कर रहे हो आरिस? क्योंकि ईयर से ले रहा है ना, तो हम लोग को अतीब का लग रहा था ना कि नहीं लेगा क्या लेगा, लेकिन अतीब को भी अब पढ़वा देंगे क्योंकि ले रहा है। हाँ तो उसको भी करवा देना, उसको भी वैक्सीनेशन दिलवा देंगे। अच्छा आराम हो जाएगा, आरिस का तो आता तो उसको भी करवा देते, उसका ही नहीं रहा, पता नहीं कब आएगा। क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो आरिस? दवाई खा के, खाना खा के। कब सिर्फ खा लिया? और खाना भी, खाना भी हम लोग खा लिए, अब 10:30 हो गया है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब।